हेलो, चलिए नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे दर्पण अर्थात गोली दर्पण और समतल दर्पण के कुछ सत्यता या कुछ फैक्ट। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो गोली दर्पण होते हैं, गोली दर्पण के कुछ टर्म्स होते हैं जिसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे। जैसे हम लोग जानेंगे ध्रुव, जिसको बोलते हैं पोल, तो ध्रुव हम किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बाद हम लोग जानेंगे क्या, उसके बाद हम लोग जानेंगे वक्रता त्रिज्या, इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रधान या मुख्य अक्ष, फिर उसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे कि किसी भी गोली दर्पण या कोई भी गोली दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की जो है दोगुनी होती है, इसको भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिभाषित करते हैं वक्रता, वक्रता केंद्र नहीं, ध्रुव को परिभाषित कर देते हैं। ध्रुव, ध्रुव तो लिखते हैं गोली दर्पण के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अगला, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। चलिए, गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें ध्रुव के बारे में थोड़ा सा अगर समझें, मान लीजिए ये गोली दर्पण है, इसका ये मध्य बिंदु हो गया, यही है मध्य बिंदु। एक प्रकार से जो गोली दर्पण है, जो स्फेरिकल मिरर है, उसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर जो जिस पॉइंट पे कट करती है स्फेरिकल मिरर को, वही उसका मिड पॉइंट कहलाता है, यही गोली दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसी मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव। इसी मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव। यही मध्य बिंदु क्या है, ध्रुव। इसको हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, ऐसे ऐसे पेंट कर दी, क्या हो गया, ध्रुव। इसको यहां से पेंट कर दीजिए, देखिए स्फेरिकल मिरर अब दो मिरर में बदल गया। ये है आपका कनकेव मिरर, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ध्रुव, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पोल, ध्रुव को अंग्रेजी में पोल बोलते हैं, इसीलिए ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग लिखने वाले हैं वो ये लिखने वाले हैं वक्रता केंद्र, अर्थात गोली दर्पण जो है, ये गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोली दर्पण ये गोले का भाग है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता केंद्र, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको लिखेंगे गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होती है
उसके उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये देखिए, ये गोली दर्पण है, ये कोई गोला का पार्ट है, ये गोला का जो केंद्र है ये यहाँ है पॉइंट ओ पर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, इसी को बोलेंगे वक्रता केंद्र, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगला आता है, अगला जो इसका टर्म आता है वो टर्म है वक्रता त्रिज्या। ये है वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जो है जिस गोले का भाग है, ये गोली दर्पण है और ये इस गोले का भाग है, इसके त्रिज्या को ही हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। चलिए तो अब आगे लिखते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में, इसको एक बार देख लीजिए सही से, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, पुश करके नोट कर लें। चलिए इसको अब इरेज करते हैं। अब हम लोग परिभाषित करते हैं वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं सेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, बोलेंगे गोली दर्पण जिस गोले का, जिस गोले का भाग होती है उसके त्रिज्या को, त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, कहा जाता है। बिल्कुल, ये गोली दर्पण है, ये जो गोला है इसका भाग है, गोली दर्पण एक गोला का भाग है, और इस गोला का जो त्रिज्या है ये यही तो है त्रिज्या, और पी के बीच की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी त्रिज्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी त्रिज्या है, यही कहलाएगा क्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़े तो आप अगला जो टर्म आता है वो टर्म का नाम है मुख्य या प्रधान अक्ष, तो हम लोग जानेंगे मुख्य या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, मुख्य या प्रधान अक्ष, मुख्य या प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। चलिए इसका इसका जो इसको परिभाषित जो करेंगे वो इस तरह से करेंगे, प्रधान या मुख्य अक्ष, जरा ये डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम को अगर गौर से देखें तो ये गोली दर्पण है, क्या है, गोली दर्पण है, गोली दर्पण है। अब देखिए ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल,
देख लीजिए, जो वक्रता त्रिज्या कहलाता था, जो वक्रता त्रिज्या कहलाता था, रियल में वही दूरी तो नहीं है? ये देखिए, ये दूरी है, अर्थात ये जो मोटर लाइन, ये दिख बोर्ड लाइन जो दिख देख रहे हैं, यही आपका मुख्य या प्रधान अक्ष, अर्थात वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी ही मुख्य या प्रधान अक्ष कहलाती है। तो लिखेंगे इसको, बस इरेज करते हैं, तो लिखते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी मुख्य या प्रधान अक्ष कहलाती है। ठीक है, चलिए, ये सब टर्म थे जिन्हें हम लोग परिभाषित कर दिए। अब आगे हम लोग सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे? सिद्ध ये करेंगे कि कोई भी समतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है ना? इनको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग यही रहने देते हैं और यही समाप्त करते हैं इनको। और अगर वीडियो से थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।